दो बाइक से और हम लोग चार लोग हैं, तो ऐसे चार लोग मिलके हम लोग जाने वाले हैं दमन। 150 क्या 200 देगा पर फोटो अच्छा ना मांगता है एकदम टकाटक। फाइनली वी आर एंटरिंग इन दमन एंड दीव। तो गाइज फाइनली हम लोग आ चुके हैं देवका बीच पर, जो कि सबसे खूबसूरत बीच माना जाता है। कर पाएगा कि नहीं ये देखो, ये टेम्पल देखो। तो स्वागत है आप सभी का एक धमाकेदार व्लॉग में, राइड व्लॉग में। मैं आया था प्रेम ऑटो हर्षल को पिक करने, विनोद और सागर अभी तक रेडी हो रहे, तो यहाँ पर हम लोग ने चाय भी पी ली। अब हमें तो वहाँ से ही जाना है कोनगांव से, तो उन दोनों को कहा मैंने कि वहीं पे रुक जाओ, हम लोग यहाँ से निकल लेते, तो उनको वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। सब कुछ सेट है, सेट है। 200 किलोमीटर की राइड है, कोई भी घाई नहीं करनी, कुछ नहीं, आराम से जाना है। सुबह के 6 बज रहे, वैसे तो 4:30 को निकलने का प्लान था, पर अभी टाइम हो रहा है 5:45, 4 बजे का था पर आधा घंटा ज़्यादा पकड़ ले, सॉरी ब्रो तेरे को वेट करना पड़ा, पर अभी ऑल सेट है, अभी निकल गए हम लोग। बस अभी उन दोनों का वेट करना पड़ेगा, पता नहीं वहाँ पर कितना वेट करना पड़ेगा। अभी मेरा तो सब कुछ सेट है, मैं सबसे पहले उठा था, बाइक भी अपनी रेडी है, एक्सपल्स से साथ में और MT-15 है, दो बाइक से और हम लोग चार लोग हैं, तो ऐसे चार लोग मिलके हम लोग जाने वाले हैं दमन। दमन वी आर कमिंग। सर्कल पे हम लोग आ चुके हैं, अब विनोद और सागर का वेट हो रहा है। मुझे लगता है और भी 15 से 20 मिनट लेंगे ये लोग, क्योंकि जब मैं रेडी होके हर्षल को पिक करने निकला ना, तभी वो दोनों जस्ट उठे थे। सैयद लतीफ लोग भी आ चुके हैं, अब फाइनली निकल लेते हैं। जान दे अभी घंटा विंटा लाए लेट आए घंटा विंटा क्या बोल रहा हूँ मैं, रूट 2 है। वी आर ऑल सेट टू गो, और अभी यहाँ से दिखा रहा है 3 hours 15 minutes और टाइम हो रहा है 6:16, तो लेट्स गो। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप सारी पॉजिटिव एनर्जीज को यू नो एक बार याद कर लेते और निकल लेते यहाँ से। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है, 4:30 निकलने का प्लान था। एंड गाइज हर्षल के फ़ोन को हमने देखो कैसे माउंट किया, ऐसा कितना फंक्शनल लग रही है मेरी बाइक। एज यू कैन सी मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वैसे अभी फ़िलहाल तो कोई काम नहीं था गूगल मैप का, फिर भी मैंने हर्षल से कहा लगा दे, अच्छा नज़र आ रहा है। यही फ़ायदा होता है सुबह जल्दी निकलने का, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिली। भिवंडी ऐसी प्लेस है जहाँ पर ट्रैफिक की कमी नहीं होती, अभी भी देखो कितने सारे ट्रक्स है। गूगल मैप हमें किस रास्ते से लेके आया खुद गूगल मैप को भी नहीं पता। एज यू कैन सी अननोन रोड, वन वे है, सामने से मुझे बस ट्रक्स ट्रक्स ट्रक्स, उसके अलावा दूसरी कोई गाड़ी नजर ही नहीं आ रही है, क्योंकि पता नहीं क्या सीन है। वेदर बहुत ज्यादा फॉगी हो चुका है, पर ठंडा नहीं है। वेदर को लेके कोई भी कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट है रास्तों को लेके, बहुत ज्यादा खराब रास्ते। स्पीड हम लोग 30, 40, 55 ऐसी मेंटेन कर पा रहे हैं। फाइनली 45 किलोमीटर्स के बाद हमें हाईवे लगा है, हाईवे 48, नेशनल हाईवे 48। अब ये हाईवे कैसा, इसे मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। तो गाइस अभी हम लोग है चारोटी टोल प्लाजा के आगे थोड़ा सा, सागर और विनोद अभी भी पीछे है। 8:04 हुए, मास्ट स्पीड मेंटेन किया, क्या मक्खन हाईवे था। गाड़ी मैंने 80-90 पे अच्छे से क्रूज किया, ज़्यादा मैंने भगाया नहीं, क्योंकि मेरे पास आज सेफ्टी गियर्स नहीं है, क्योंकि मेरे पास खुद के सेफ्टी गियर्स नहीं है। और ये राइड हम लोग करने वाले थे या नहीं इतना फिक्स नहीं था, तो मैंने किसी से लिए भी नहीं, तो उस वजह से मैं थोड़ी स्पीड में कंट्रोल ही रख रहा था, क्योंकि आज बस हेलमेट है अपने पास एज अ सेफ्टी गियर, बाकी कुछ नहीं। पर यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया राइड के लिए। और अभी इनका वेट कर रहा हूँ यहाँ पर अपनी बाइक पार्क है, वहाँ पर सनराइज हो रहा है और क्या खूबसूरत वेदर हुआ है। अब जाके वेदर का मज़ा आ रहा है यहाँ पर, कहिए आगे निकलने, आ गए आ गए आ गए, हाय हाय हाय, इधर 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 चलो, तुम लोग तो हमारे आगे थे, रुके थे क्या। अभी चाय नाश्ता कुछ तो कर लेते हैं, नाश्ते के बिना राइड अधूरी होती है, तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तो बनता ही बनता है। कसम अक्कन आए ना,
काम करो, एक कॉफी दो, तीन चाय दो। तो गाइस ये हाईवे नेस्ट के यहाँ पर रुके थे हम लोग, पर यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस चाय और कॉफी, बाकी सब वो वेफर वगैरह है, तो वेफर वगैरह नहीं खाना इतना सुबह। वड़ा पाव अगर मिल जाता तो सॉर्टेड होता, तो अभी और एक ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि हर्षल को भी भूख लगी है और विनोद को भी भूख लगी है। बस तीन ही मंगाया, मेरा खाने का कुछ इच्छा नहीं, ऑयली खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। सामने धड़ाधड़ चेकिंग चालू है, बस फोर व्हीलर वालों को ही रुका रहे, बाकी टू व्हीलर वालों को कोई इश्यू नहीं। गाइस फर्स्ट टाइम गुजरात में आया हूँ, इसका मतलब एक फोटो तो बनता है यहाँ पर, तो हर्षल प्लीज मेरी एक फोटो ले ले, वहाँ पर बाइक को खड़ी करता हूँ मस्त प्यारी सी, क्योंकि 150 या 200 देगा पर फोटो अचानक मांगता है एकदम टकाटक। दमन के लिए अभी हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा और इस खूबसूरत हाईवे को अलविदा करना पड़ेगा। विनोद और सागर ने ऑलरेडी लेफ्ट ले लिया, अब हमारी बारी है। गोप्रो नहीं है इसलिए ऐसे रुक के ब्लॉक करके आपको बताना पड़ रहा है। फाइनली वी आर एंटरिंग इन दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन एंड दीव हार्टली वेलकम्स यू, थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत खुशी हुई आपके यहाँ पर आकर, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं, कुछ भी फटिकनेस नहीं है बॉडी के अंदर। अभी ऐसा लग रहा है कि राइड जस्ट राइड स्टार्ट हुई है पर राइड खत्म होने को आई। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं देवका बीच पर, जो कि सबसे खूबसूरत बीच माना जाता है यहाँ का दमन का, क्योंकि एज यू कैन सी जो इन्होंने बैठने के लिए स्पॉट बनाया है, यहाँ पर बैठ के आप सी व्यू ले सकते हैं। ये काइंड ऑफ अ कोस्टल रूट है और ऐसा कोस्टल रूट मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं है, मतलब मैंने जितना ट्रैवल किया उस ट्रैवल में मैंने अभी तक ऐसा कोस्टल रूट कहीं पे देखा नहीं, मैं बता नहीं सकता ये आंखों से कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। हम लोग होटल ढूंढना था पर सोचा पहले इस रूट पे एक छोटी सी गेड़ी मार के आते, तब जाके ऐसा फील होगा कि हाँ एक्चुअली हम लोग दमन में आए, क्योंकि मैं दो दिनों से यही वीडियो देख रहा था जब से हम लोग ने डिसाइड किया था कि दमन आना है, तो फाइनली उस रोड पे मैं आ चुका हूँ। शाम के टाइम यहाँ का सनसेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है गाइज, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। बस अभी ये देख लिया, कहीं तो अच्छा सा रूम ढूंढ लेते हैं, होटल ढूंढते हैं और वहाँ पर अपना बैग बिग रख के। फाइनली हम लोग होटल में आ चुके, होटल नहीं है काइंड ऑफ एक रूम्स अवेलेबल, रूम्स होते हैं ना काइंड ऑफ ऐसा रूम है। हम चार लोग हैं, चार लोगों के लिए हमने बस एक ही रूम लिया है, छोटा सा प्यारा सा साफ सुथरा सा। सादे सुधे होटल में नहीं रुके, हम रुके रणछोड़ दास हाउस में और ये रहा हमारा रूम, काइंड ऑफ एक बड़ा सा बेड, टीवी, एसी कंपलसरी चाहिए था, एसी ले लिया, बाकी किसी भी चीज़ की हमें नीड नहीं। यहाँ पर हमारा सामान है, बाकी सब लोकेशन पे हम लोग रुके, उसका नाम है नानी दमन और यहाँ से पीछे जाओगे तो है मोती दमन, तो पहले नानी दमन घूम लेते हैं, घूमने ले रहे, सबको लगी है भूत, तो अभी कुछ खाने की तलाश में। यहाँ पर सिर्फ चाइनीज कॉर्नर ही नज़र आ रहे, वहाँ से ही आए हम लोग, वहाँ पर भी मुझे अच्छे से कुछ होटल वगैरह नज़र नहीं आया, लेट सी, वरना तो फिर मैगी पे गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि चाइनीज खाने की किसी की भी इच्छा नहीं है। यानी दमन के स्ट्रीट्स की अगर बात करूँ तो हाँ सिमिलर वाइब्स है गोवा जैसे, पर प्रॉपरली गोवा जैसा नहीं है टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत घुमा है यहाँ तक, तो मुझे अभी तक उतने गोवा वाले वाइब्स आए नहीं। ज़्यादा आइसोलेटेड है, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, अब मुझे पता नहीं दोपहर का वक्त है इसीलिए ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकल रहे, या फिर शाम के वक्त में भी सब लोग बाहर निकलेंगे, पर हाँ है यहाँ पर अभी भी टूरिज्म का काम चालू है। तो गाइस खाने की तलाश में हम लोग बहुत आगे निकल आए,
और सागर को एक रास्ता दिखाई दिया जो बीच की तरफ जाता है। ये स्कूल था पीछे और ये सामने बीच की तरफ जाता है रास्ता। तो सागर कहता है थोड़ा देख के आते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई, वैसे भी तो घूमने के लिए ही तो निकले हैं। एंड हियर वी गो। ओह सैंड है ब्रो, सैंड है। लुक एट दिस लोकेशन, वहां पर स्कूल है, वहां पर मेन रोड है, वहां से थोड़ा हम लोग अंदर आए, बाइक यहाँ पर पार्क कर दी और सामने समंदर। और उससे भी एक खूबसूरत चीज मैं आपको दिखाता हूँ। आई डोंट नो कि अभी अपना फोन इसे कैप्चर कर पाएगा कि नहीं। ये देखो, ये टेम्पल देखो, टेम्पल के ऊपर का जो हिस्सा है वही नजर आ रहा है, बाकी सारा टेम्पल जो है समंदर के अंदर है। यहाँ की जो सैंड है वो ब्लैक कलर की है, उसकी वजह से जो समंदर का पानी है एज यू कैन सी थोड़ा सा मड़ी मड़ी सा नजर आ रहा है ना, क्लियर वाटर नहीं है बिकॉज ऑफ सैंड, क्योंकि यहाँ की सैंड जो है ब्लैक कलर की है। तो गाइज वहां पर कोई टेम्पल नहीं है, अब गन पोस्ट है वो, हम लोग उल्लू बन गए, वो गन पोस्ट है। सॉरी टेम्पल नहीं है, लैंडमार्क है, हिस्टोरिकल लैंडमार्क है क्या? ऐसा गूगल बता रहा है, नहीं मैप, अपना गूगल मैप बता रहा है, वही मैप बता रहा। तो गाइस सामने हमारी बाइक पार्क है और खाने के लिए हम लोग एक फूड कॉर्नर में आए, यहाँ पर पाव भाजी वो सब कुछ मिलता है, क्योंकि बाहर सिर्फ चाइनीज के स्टॉल्स ओपन है, बाहर सिर्फ चाइनीज के स्टॉल्स ही ओपन है, तो चाइनीज किसी को भी खाना नहीं, पर यार बाइक सामने यहाँ पर खाना खाने बैठे हैं, सही है। चेयर्स। ये हर्षल की पाव भाजी, विनोद का चीज सैंडविच, और मैं और सागर शेयर करने वाले ये पिज्जा। तो टूट पड़ो, रुको रे फोटो निकालो। फाइनली पेट पूजा जो है हो चुकी है, एज यू कैन सी यहाँ पर ये फूड कोर्ट है। खाना बहुत बढ़िया है, खाना नहीं स्नैक्स बहुत बढ़िया है। पाव भाजी 10/10, अगर आप कोई पाव भाजी का फैन है तो यहाँ पर पाव भाजी ज़रूर ट्राई करना, बहुत बढ़िया टेस्टी। और सैंडविच की फ्लॉप था उनका पिज़्ज़ा, बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। सैंडविच, पाव भाजी 10/10, और ये मैगी कौन खाता है बोलो। सैंडविच पाव भाजी भी सही था, तूने ही बोला ना, किसने रोका था। चलो अभी गाइस रूम में जाते, थोड़ा सा शांत होते क्योंकि आंखों पे नींद है। पकड़ना यार मैं हेलमेट, तू पकड़ना। Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.